Hello, guys, welcome back to my channel. How are you? I hope you all are well. So, today we are going to start the second part of the lesson that we have already started lesson 2 from trade to territory. In my first part, I have discussed uh, these things uh, East India Company comes east, and the second part is East India Company begins trade in Bengal. And next is how trade led to the battles, the Battle of Palasi. And uh, this thing we have also discussed Company official become a बोब्स ठीक है अब हम इस वीडियो में करने वाले हैं कि कंपनी रूल एक्सपेंड कि कंपनी का जो रूल था वो कैसे एक्सपेंड हुआ ठीक है ये वीडियो सुनने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आप पहले वाला जो पार्ट है वो आप देखें ठीक है उसके बाद ही आपको समझ में आएगा नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैडम क्या पढ़ा रही है ठीक है तो हमने मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि आपको जैसे जो ब्रिटिशर्स थे वो आए ट्रेड करने के लिए थे लेकिन उन्होंने पूरे लैंड पे अपना मतलब अपना मतलब कि साम्राज्य एम्पायर बना लिया था ठीक है मतलब पर्पज उनका पहले ट्रेड करने का था लेकिन ट्रेड से फिर वो वहां पर इंडिया में ही बैठ गए थे मतलब आके ठीक है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बड़े ध्यान से सुनना है आपने कि अब देखो कंपनी ने किस तरीके से रूल को एक्सपेंड करा इफ वी एनालाइज द प्रोसेस ऑफ एनेक्सेशन एनेक्सेशन का मतलब क्या होता है हमला करना इंडियन स्टेट्स बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम टू दिन सर्टन की एस्पेक्ट्स इमर्स अगर हम एनालाइज करें कि किस तरीके से जो इंडियन स्टेट्स पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमला किया सेवनटीन फिफ्टी सेवन से लेकर मतलब हंड्रेड इस हो गए ना अप्रॉक्सिमेटली तो उसने मतलब कि इतने सारे चेंजेस आए क्या चेंजेस आए कंपनी रियर डायरेक्ट मिलिट्री अटैकोन टेरिटरी सेंगडम मतलब an और इसकी बजाय हमारे थी ईस्ट इंडिया पोलिटिकल है इकोनॉमिक अलग तरीके से मैथड यूज करती थी आ, आ, इंडियन किंगडम को अप्रोच करने के लिए आफ्टर द बैटल ऑफ बक्स

the company forced the states into a subsidiary uh, alliance okay. according to term of the alliance indian rulers were not allowed to have their independent armed force and they were to be protected by the company अब कभी कभी क्या होता था कंपनी किसी स्टेट्स में ना ये कह देते थे कि भाई हम तुम्हें ना सब्सिडरी अलायंस देंगे सब्सिडरी अलायंस का मतलब क्या होता है कि भाई जो वो ना मिलिट्री हेल्प देंगे उनको और उस टर्म के अकॉर्डिंग क्या होता था जो इंडियन रूलर्स थे ना मतलब उनको खुद की अपनी आर्मी रखने का हक नहीं था इंडिपेंडेंट नहीं थे वो और उनको ये कहा जाता था कि वो अगर उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा ना उनको कंपनी प्रोटेक्ट करेगी बट बट हैड टू पे फॉर द सब्सिडरी फोर्स दैट द कंपनी वॉज सपोज टू मैंटेन फॉर द पर्पज ऑफ दिस प्रोटेक्शन लेकिन उनको कुछ पैसे पे करने पड़ेंगे जिससे भी कंपनी क्या है उसको जो मिलिट्री दे रही है उसको मैंटेन कर पाएगी ठीक है इफ़ द इंडियन रूलर्स फेल टू मेक द पेमेंट अगर अब जो इंडियन रूलर्स को पेमेंट देनी पड़ेगी अगर वो मान लो दे नहीं पाते हैं तो उस 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 कंडीशन में क्या होगा पार्ट ऑफ द टेरेटरी वॉज टेकन अवे एज पेनल्टी तो जो टेरेटरी का जो भी पार्ट है ना जिस एरिए में वो रह रहे हैं वो उनको एज ए पेनल्टी ऐसे जैसे कहते ना कि भाई फाइन लग गया तो वो ऐसे फाइन देनी पड़ती थी फॉर एग्जाम्पल वन रिचर्ड वेल्सली वॉज गवर्नर जनरल टू द नवाब ऑफ द अवध वॉज फोर्स टू गिव ओवर हाफ ऑफ टेरेटरी टू द कंपनी इन एटीन हंड्रेड वन अब एग्जाम्पल क्या है जब रिचर्ड वेल्सली क्या था गवर्नर जनरल था ठीक है तो जो नवाब अवध का जो नवाब था उसको फोर्स किया गया था उसको हाफ टेरेटरी कंपनी को एटीन हंड्रेड वन में देनी पड़ेगी पड़े? क्योंकि वो सब्सिडरी फोर्स देने में फेल हो गया था ठीक है, है हैदराबाद वॉज ऑल्सो फोर्स टू सीट टेरिटरी ऑन सिमिलर ग्राउंड जो हैदराबाद का जो राजा था उसको भी सेम इसी तरीके से अपनी टेरिटरी लैंड देना पड़ा क्योंकि वो सब्सिडरी फोर्स देने में सफल नहीं था सक्सेसफुल नहीं था ठीक है तो ये हो गया हमारा फिर उसके बाद हमारा क्या आ जाता है टिपू सुल्तान के बारे में देखिए पिक्चर है टिपू सुल्तान की टिपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर ठीक है तो अब देखो इस टाइटल से क्लियर है कि जो टिपू सुल्तान है वो मैसूर का मतलब कि मैसूर का जो मेन वो था किंग था एंड और कैसे फेमस था टाइगर की फॉर्म से ठीक है इसका टाइटल फॉर्म देखो टाइगर किया जब उसने देखा कि जो जो पोलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट थे उसको मतलब कि लगा कि भाई ये इसके फेवर में नहीं है तो दिस कैन भी रिलिस्ट्रेटेड विद द केस ऑफ द सर्दर्न इंडियन स्टेट ऑफ मैसूर मतलब की जब कंपनी को लगता है ना कि सामने वाली जो किंगडम है उसका डायरेक्ट सामना कर रही है तो वो अलग पॉलिसी यूज करती है तो एग्जाम्पल हम कैसे देख सकते हैं उसने मैसूर के साथ क्या किया सर्दन में जो सर्दन स्टेट में था इंडियन स्टेट के मैसूर में मैसूर हैड ग्रोन इन स्ट्रेंथ अंडर द लीडरशिप ऑफ पावरफुल रूरल लाइक हैदर अली ठीक है जो मैसूर जो स्टेट था वो साउथ में था पहली बात। दूसरी के उसमें जो मेन लीडर था वो कौन था हैदर अली था जिसने सेवनटीन से टू तक रोल किया और जो उसका फेमस जो बेटा था उसका कौन था टिपू सुल्तान ठीक है टिपू सुल्तान ने सेवनटीन से टू सेवनटीन तक मतलब कि राज किया मैसूर कंट्रोल द प्रोफिटेबल ट्रेड ऑफ द मालावर कोसवेर दिन purchase pepper and cardamom अब जो मैसूर था उसने अपना जो प्रॉफिट ट्रेड कर रखा था मालाबार कोस पे जहां पे कंपनी ने मतलब कि जो पेपर है काली मिर्च होती है का्डमन इलायची वगैरह होती है तो इन सेवनटीन एटी फाइव में टिपू सुल्तान स्टॉप द एक्सपोर्ट ऑफ सेंडलवुड टिपू तो सुल्तान ने क्या किया जो भी चीजें बाहर जा रही थी ना उसको रोक दिया जैसे सेंटर चंदन है पेपर है काडमन है थ्रू द पोर्ट ऑफ हिस किंगडम ठीक है अपने किंगडम के जरिए उसने उसको एक्सपोर्ट करना रोक दिया जो मतलब ब्रिटिशर्स कर रहे थे अब देखो ब्रिटिशर्स को रोक दिया तो ब्रिटिश आराम से थोड़ी ना बैठेंगे एंड डिस अलाउड लोकल मर्चेंट्स फ्रॉम द ट्रेडिंग विद द कंपनी और जो मर्चेंट जो व्यापारी पे जो 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 वो कर व्यापार व्यापार थे ना उनको भी रोक दिया करने से। लेकिन उसने क्या किया? जो फ्रेंच के जो लोग थे उनके साथ अपनी रिलेशनशिप डेवलप करी और मॉडर्नाइज किया उसकी आर्मी को ठीक है help करने में उनकी help से फ्रेंच की, फ्रेंच पीपल की help से की की और यूरोपियन को मना कर दिया, लेकिन फ्रेंच के साथ अपनी रिलेशनशिप बनाए रखी द ब्रिटिश वर फ्यूरियस अब ब्रिटिश खुश थोड़ी ब्रिटिश का काम रोके वो फ्रेंच के साथ दोस्ती अपने कारोबार को बढ़ा क्रश तो तो होंगे, होंगे. अब उन्होंने अली को टिपू सुल्तान को ऐसा मान लिया कि वो बहुत ही अभिलाषी है बहुत ही घमंडी है बहुत ही खतरनाक है उनके लिए और उनको उनकी इस चीज को कंट्रोल करना पड़ेगा उनको दबाना पड़ेगा क्रश करना पड़ेगा फोर वॉर्स वर फोर और चार लड़ाई हो मैसूर के साथ

जो सुल्ता सुल्तान क्या हुआ मारा गया था मैसूर वॉज प्लेस अंडर द फॉर्मर रूलिंग डायनेस्टी ऑफ द वुडियार्स एंड सब्सिडरी अलायंस वॉज इम्पोज ऑन द स्टेट्स और जो मैसूर था वो वहीं पे जैसे जो रूलर थे उनके अंडर आ गया और जो सब्सिडरी अलायंस वहां पे भी जैसे जो मिलिट्री हेल्प देने के लिए उनके ऊपर इम्पोज किया गया ठीक है तो ये सब था अब इसके बाद ये भी दिया हुआ देखो टीपू जो सुल्तान का जो टॉय है ये टाइगर ये देखो दिस इज अ पिक्चर ऑफ द बिग मर्चेंट टॉय है ठीक है कि ये मतलब कि एक टोए की पिक्चर है टीपू जो रखता था और आप देख सकते हो इसमें जो टाइगर है वो क्या कर रहा है उसके ऊपर एक यूरोपियन मतलब कि टाइगर के के नीचे मतलब यूरोपियन सोल्जर है और जब वो हैंडल जैसे टर्न करता है टॉय का टाइगर का तो वो रोयर करता है एकदम से और सोल्जर एकदम से मतलब कि शिनक क्या होता है जब मतलब कि कुचलापन सा मह, महसूस होता है दिस स्टोरी टाइगर इज नाउ कैप्टन द विक्टोरिया एल्बर्ट म्यूजियम इन लंडन ठीक है और ये अब कहाँ पे रखा गया है लंडन में रखा गया है और जो ब्रिटिश है टूकिट अवे एवेंट टिपू सुल्तान डाइट और जब टिपू सुल्तान मर गया था तो ब्रिटिशर्स को अपने साथ में लेकर चले गए थे ठीक है और अब ये देखो कि किस तरीके का टॉय टॉय क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो टाइगर है मतलब कि टाइगर कौन है यहाँ पे टाइगर टिपू सुल्ताना और वो ब्रिटिशर्स को कैसे दबा रहा है मतलब कि देखो इस तरीके का टॉय रखने का पर्पस ये था कि उसका मानना ये था कि ब्रिटिशर्स को दबा के रखना है ठीक है लीजेंड ऑफ टीपू टिपू के बारे में बताया गया है कि टीपू सुल्तान किस तरीके का पर्सन था जो किंग्स थे वो हमेशा मतलब कि बाय लीजेंड होते हैं अपनी पावर से माने जाते हैं ना उनकी ग्लोरीफाइज मतलब कि फोक फोकलोर्स क्या होता है किसे होते हैं जो मतलब कि उनकी शान के तो यहाँ पे जो टिपू सुल्तान के बारे में बताया गया जो टिपू सुल्तान, सुल्तान है वो मैसूर के रूलर सेवेंटी टू में बने और ये कहा जाता है कि वो हंटिंग के लिए जब फॉरेस्ट में जाते थे ना अपने फ्रेंच फ्रेंड के साथ तो जब वो फेस टू फेस आते थे टाइगर के तो वो उनकी जब गन अगर वन नहीं करती थी जो उनकी डैगर होती थी वो भी ग्राउंड पर गिर जाती थी तो जो बैटल करते थे वो टाइगर के साथ बिना मतलब कि किसी भी कोई भी उनके पास कोई गन वगैरह नहीं होती थी अनार्म होते थे और फिर वो वहाँ पे मैनेज करना पहुँच जाते थे और फिर डैगर लेकर फाइनली वो क्या होते थे टाइगर को मतलब किल कर देते थे ठीक है और इस तरीके से उनको टाइटल क्या दिया गया था टाइगर ऑफ महसूर मैसूर का टाइटल दिया गया था ये रीजन था उनको टाइगर ऑफ मैसूर का टाइटल दिया गया फिर क्या हुआ कि वॉर विद द मराठास अब तक हमने क्या है प्लासी की लड़ाई पढ़ी बक्सर की लड़ाई पढ़ी हमने ठीक है फिर टेरपू सुल्तान के बारे में पढ़ा फिर उसके बाद हमारा क्या है जो Marathas है उनके साथ की लड़ाई के बारे में हम पढ़ेंगे ठीक है फ्रॉम द लेट एटीन सेंचुरी द कंपनी ऑल्सो सो टू कर देंचुरी डिस्ट्रॉय मराठा पावर अब क्या हुआ एटीन सेंचुरी के लेट तक जो कंपनी थी वो अब मराठों को भी डिस्ट्रॉय करना चाहती थी मराठों की पावर का ठीक है और विद देयर डिफीट इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जब पानीपत की थर्ड लड़ाई में उनको हरा दिया सेवनटी सिक्सटी वन में तो मराठा का जो ड्रम ड्रीम था वो रूल करना क्या था कि उनको डेली को भी शटर्ड करना डेली दे, को भी देना देवर डिवाइडेड टू मैनी स्टेट्स अंडर डायरेक्ट डिफरेंट चीफ्स ठीक है फिर उन्होंने डिवाइड कर दिया काफी सारे स्टेट्स हैं डिफरेंट चीफ्स में सरदार होते थे जो अलग अलग डायनेस्टी से बिलोंग करते थे सिंधिया है होलकर है गायको गेकवर्ड है एंड भोंसले है एंड देव चीफ्स वर हेल्ड टुगेदर इन कॉन्फिड्रेसी कॉन्फिड्रेंसी का मतलब क्या होता है यहाँ पे दिया है कि एक गठबंधन सा बना लेते थे वो ठीक है तो उनके चीफ होते थे इकट्ठे मिल जाते थे और अंडर एक पेशवा होता था ठीक है इस प्रिंसिपल मिनिस्टर हु बिकेम इट्स इफेक्टिव मिलिट्री और जो मिलिट्री का ध्यान रखता था एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बेस इन पुणे ठीक है और जो एक हेड होता था वो पुणे में होता था तो जो महाजी सिंधिया एंड नाना आ, ये हमारा नाना क्या है यहाँ पे फड़नीस इसको पढ़ेंगे ठीक है नाना फड़नीस हैं वह टू फेमस मराठा सोल्जर्स थे और से, से, स्टेट्समैन थे एटीन सेंचुरी के टाइम में ठीक है तो मराठा वर सब सबड्यूस इन सीरीज ऑफ वॉर एंड इन द फर्स्ट वार दैट एंडेड इन सेवनटीन एटी टू विद द ट्रीटी ऑफ सलभा ठीक है जो मराठे हैं वो हार गए थे ठीक है तो फर्स्ट जब वर्ल्ड वार एंड हुआ सेवनटीन एटी टू में और मतलब संधि कौन सी सलभाई के संधि और देर वॉज नो क्लियर विक्टर और उसमें क्या हुआ था कि मतलब कि इसमें मतलब की कोई यह नहीं था कि मराठा जीते वो जीते ठीक है मतलब इक्वल था सेकंड एंग्लो मराठाज वार जब हुआ एटीन हंड्रेड थ्री से एटीन हंड्रेड फाइव तक तो उसमें डिफरेंट फ्रांड्स थे जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो ब्रिटिश थे और में और नॉर्थ में, 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 में भे कानपुर के पास था पेंशन के साथ जो कंपनी थी अब नाउ कंप्लीट कंट्रोल था उनका टेरिटरी ऑफ जो विंध्यास के साइड में जितनी भी टेरिटरी थी सारा का सारा रोल किसका था ब्रिटिश का था मतलब ब्रिटिश ने भी मराठों को हरा दिया था अब द क्लेम टू तो पैरामाउंटेसी पैरामाउंटेस का मतलब क्या होता है कि भाई सारी जगह पर हमारा ही अधिकार है ठीक है साउथ में भी उन्होंने अपना कंट्रोल कर लिया नॉर्थ में भी अपना कंट्रोल कर लिया तो वो 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 चीज़ का पैरामाउंटेसिया मतलब कि हमारा पूर्ण अधिकार है और ये कहाँ से क्लियर होता है हम अर्ली नाइनटीन सेंचुरी से हम देखेंगे कंपनी ने क्या किया एग्रेसिव पॉलिसी थी टेरेशन की वो उसको एक्सपेंड करते रहे अब जो लॉर्ड हैसिंग थे उसके अंडर उन्होंने एक पॉलिसी बनाई पैरामाउंटेसी की ठीक है पैरामाउंटेसी का मतलब यही था कि सब अब हमारा ही अधिकार है तो कंपनी ने क्लेम किया कि उनकी अथॉरिटी है वो क्या है बहुत पैरामाउंट है सुप्रीम है जिसकी पावर है वो बहुत ज़्यादा ज़्यादा है ठीक है और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के अपने इंटरेस्ट को तो उन्होंने जस्टिफाई किया कि वो इन अनेक्सिंग थ्रेटरिंग टू एनेक्स एनी इंडियन किंगडम ठीक है अब हर किसी किंगडम को वो मतलब कि अपना बना लेंगे और ये जो व्यू था कंटिन्यू करने का गाइड लेटर क्या हुआ जो ब्रिटिश पॉलिसी के अंडर हुआ और जो प्रोसेस था हावर डिड नॉट गो अनचैलेंज और ये प्रोसेस था बिल्कुल भी अनचैलेंज नहीं था फॉर एग्जाम्पल देखते हैं कि जो किंग ब्रिटिश ने क्या किया ट्राइड के एनेक्स द स्मॉल स्टेट ऑफ किदोर अबेश ने क्या किया जो स्मॉल स्टेट है कि दूर का कर्नाटक में उसको मतलब कि अपना अधिकार जमाने की कोशिश की तो जो रानी चन्नामा थी उसने भी मतलब कि मतलब कोशिश करी उसको रोकने की एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस मूवमेंट चलाया और उसने लेकिन वो भी अरेस्ट हो गई थी एटीन ट्वेंटी फोर में और उसको जेल में डाला गया था ट्वेंटी नाइन में लेकिन जो र, रायना थी एक पुअर चौकीदार था ऑफ के तौर में तो उसने भी अपने मतलब उसने भी इस चीज़ को विद्रोह किया कि भई जो ब्रिटिशर्स हमारे इलाके में हमला ना करें तो विद पॉपुलर स्पॉट ही डिस्ट्रॉयड मैनी ब्रिटिश कैंप और उसने कुछ मतलब कि स्पॉट के साथ ब्रिटिश कैंप को डिस्ट्रॉय भी किया रिकॉर्ड्स में लेकिन ही वो स्कोट एंड हैंग्ड बाय द ब्रिटिश 1830 लेकिन उसको भी फांसी चढ़ाया 1830 में यू विल रीड मोर अबाउट सेवरल केसेस ऑफ रेजिस्टेंस मिलके आप ये पढ़ोगे कि ये नहीं है कि ब्रिटिशर्स हमला करे जा रहे थे उनकी किंगमुचिरते तो लोग कुछ नहीं कर रहे थे वो भी रेजिस्ट तो कर रहे थे सामना तो कर रहे थे लेकिन सफल नहीं हो पाए

उसके बाद उसे जो महाराजा रंजीत सिंह है उस वो भी कंपनी को वापस भेजना चाहते थे लेकिन उनकी के रूल करना शुरू कर दिया फिर उसके बाद रणनीति बनाई ठीक है मैं इसको शॉर्ट में बता देती हूँ क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाता है डॉक्टर आइन ऑफ लैप्स का मतलब क्या था कि अंग्रेजों ने क्या किया किसी किंगडम में अगर मतलब मान लो उनका कोई बेटा नहीं है ठीक है या फिर वो राजा मर जाता है तो उसकी जो क्या होता है। वैसे तो क्या होता है कि अगर मान लो किसी का बेटा नहीं है तो उसकी जो किंगडम है वो किसी और उसके भाई के बच्चों को मिल मिल जाएगी जाएगी उसके भाई को मिल जाएगी, ऐसे होता था ठीक है लेकिन अगर उसका कोई बेटा नहीं है या खुद राजा मर जाता है तो जो वो किंगडम होगा वो एम्पायर होगा वो किसको दिया जाएगा ब्रिटिशर्स को दिया उन्होंने एक रणनीति बना ली और इसके जरिए उन्होंने बहुत सारे जो एरियाज थे वो अपने जैसे यहाँ पे दिया हुआ है पे सतारा है संबलपुर है उदयपुर है नागपुर है झांसी है इनको अपने कब्जे में कर रहे थे देखो सिर्फ एक एक सिद्धांत बना और सिद्धांत के अकॉर्डिंग उनको लड़ाई करने की जरूरत नहीं सिर्फ अपने ही रूल बनाया और तो रूल से कितने सारे एरिया उन्होंने अपने हथियार लिए थे ठीक है तो ये डॉक्टर ऑफ लैप्स है हमारा फिर उसके बाद हमारा क्या आ जाता है सेटिंग अप ए टून एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है नया एडमिनिस्ट्रेशन कैसे बना नए एडमिनिस्ट्रेशन में क्या था कि जैसे वॉन हैसिंग है जो गवर्नर जनरल है सेवनटीन सेवनटी थ्री सेवनटीन एटी फाइव में उसने मेनी जो इंपॉर्टेंट फिगर्स थी जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कंपनी को एक्सपेंड करने के लिए और उस टाइम से जो कंपनी ने क्या किया एक बहुत ज्यादा पावर एक्वायर कर ली थी नॉर्ट बंगाल में नहीं बल्कि बॉम्बे में भी मद्रास में भी जो ब्रिटिश के जो टेरेटरी थी वो डिवाइडेड हो गई मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में प्रेजिडेंसी मान लो आप देखो स्कूल है स्कूल चलाने के तो नहीं कि एक पर्सन नहीं चला लेगा उसको चलाने के लिए क्या करते हैं जो मैनेजमेंट है वो प्रिंसिपल, है। प्रिंसिपल को अपॉइंट करते हैं प्रिंसिपल टीचर्स को अपॉइंट करता है ठीक है तभी जाके कोई एडमिनिस्ट्रेशन चलता है तो इसी तरीके से क्या है कि वो अपने मतलब कि एक सिस्टम को चलाने के लिए वो एक प्रेजिडेंसी अप्लाई कर लेते हैं तो जिसमें क्या होता है थ्री प्रेजिडेंसी होती है पहली कौन सी थी बंगाल की सेकेंड मद्रास की थर्ड क्या बॉम्बे की और जिसमें हर रूल कौन कर रहे थे उनको सब को देखो प्रेजिडेंसी बन गई बंगाल मद्रास बॉम्बे लेकिन हर को कौन रूल कर रहा था गवर्नर रूल कर रहे थे जो सुप्रीम हेड्स एडमिनिस्ट्रेशन का वो कौन था गवर्नर जनरल था और जो वॉरन हैसिंग है जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया सेवल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को नोटेबली इन द स्फीयर ऑफ जस्टिस में अब 1772 से बात करते हैं तो एक जो नया सिस्टम बना जस्टिस का वो एस्टेब्लिश हो गया और हर डिस्ट्रिक्ट में टू कोर्ट होती थी पहली कोर्ट तो कौन सी होती थी क्रिमिनल कोर्ट की जिसको फौजदारी अदालत बोला गया और दूसरी कौन सी होती थी सिविल कोर्ट की ठीक है जिसको दीवानी अदालत बोला गया फिर इसमें जो मौलवीज होते थे हिंदू पंडित्स होते थे वो इंटरप्रेट करते थे हिंदू लॉज को यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट के लिए जो कलेक्टर्स में ठीक है और उसमें कुछ मतलब कि जो क्रिमिनल कोर्ट होते थे उसमें क्वैजी होते जैसे जज वगैरह होते ना तो क्रिमिनल कोर्ट में जो मतलब इसके अंडर होती थी क्वैजी और मुफ्ती के अंडर होती थी बट जो सुपरविजन क्या होता था सुपरविजन कलेक्टर्स के अंडर होता था फिर इसके बाद क्या है हमारा कि जो मेजर प्रॉब्लम क्या आई जो जो ब्राह्मण जो पंडित थे उन्होंने डिफरेंट इंटरप्रिटेशन दी ठीक है लोकल लॉस में जो बेस होती थी डिफरेंट स्कूल्स ऑफ द धर्मशास्त्र टुप रिंग और एक यूनिफॉर्मिटी एक समानता लाने के लिए सेवनटीन सेवेंटी फाइव में इलेवन पंडित थे उनको बुलाया गया और उनको इकट्ठा किया गया ठीक है ताकि वो एक हिंदू लॉ बनाए ताकि एक यूनिफॉर्मिटी आई ये नहीं कि इंग्लिश पीपल की के अकॉर्डिंग सोच रहे मतलब हिंदू के अकॉर्डिंग भी कुछ रूल बने तो जो एन बी हलत थे जो ट्रांसलेट किया उस डाइजेस्ट को इंग्लिश में और फिर सेवनटीन सेवनटी एट में जो कोड बना जो मुस्लिम लॉ उसका वो भी कंपाइल्ड किया गया एक बेनिफिट ऑफ यूरोपियन जजेस के लिए अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट जो सेवनटीन सेवनटी थ्री का था उसमें एक सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हुई और उस कोर्ट का मतलब क्या था जो सरदार निज़ामत अदालत है उसको सेटअप किया गया कलकत्ता में अब जो प्रिंसिपल फिगर थी इंडियन डिस्ट्रिक्ट की वो थी? क्या थी उसमें कलेक्टर होता है और जैसे ही टाइटल सजेस्ट करता है जो मेन जॉब क्या होती थी उसमें रिवेन्यू कलेक्ट करना टैक्सेस लेना मेंटेन करना फिर लो और ऑर्डर को डिस्ट्रिक्ट में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जज की हेल्प से ठीक है फिर जो उसके ऑफिसों में जो कलेक्टर्स होते थे वो क्या बन जाते हैं नए सेंट पावर बन जाते हैं पावर में आ जाते हैं और पेट्रोनिज डेट स्टेडली रिप्लेस प्रीवियस होल्डर ऑफ अथॉरिटी और जो अथॉरिटी में जो पर्सन होते हैं उनको होल्ड करते हैं अब कंपनी में आर्मी के बारे में हम पढ़ेंगे ठीक है ये लास्ट हमारा है कंपनी का आर्मी और फिर कंक्लूजन है इसमें अब जो कॉलोनियल जो रूल थे इंडिया में वो क्या करते हैं कुछ नए आइडियाज़ लेकर आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के ठीक है उसमें कुछ चेंजेस लेकर आते हैं जो पावर हो रहती है मिलिट्री स्ट्रेंथ की जो मुगल आर्मी होते हैं वो मैंटेनली क्या होती है उसमें कैवलरीज uh, होते हैं ठीक है थीके? सवार होते हैं ट्रेंड सोल्जर होते हैं और उनको ट्रेनिंग दी जाती है प्रॉपर तीरबाजी की किसी ती चरा यूस वोड की तो कंपनी के जो होते हैं जो कैलरी होती है वो डोमिनेट करती है आर्मी को जो मुगल स्टेट डिड नॉट फील टू तो हैव ए लार्ज प्रोफेशनली ट्रेन इन्फेंट्री थी, ठीक है और जो मतलब कि इसमें क्या होता है कि वो ज्यादा तो पैदल नहीं चल पाते जो रूरल एरियाज होते हैं लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड पीजेंट और जो रूरल एरियाज उसमें बहुत सारे पीजेंट्स होते हैं लोकल जमींदार्स होते हैं और उसमें मुगल्स होते हैं जो पेडर सोल्जर्स के ठीक है और एक चेंज अकर्ड हुआ एटीन सेंचुरी में जब मुगल सक्सेसर होते थे स्टेट लाइक अवध है बनारस है वो एक पीजेंट को रिक्रीट करने लगे आर्मीज में और उनको ट्रेनिंग देते प्रोफेल सोल्जर की तरह जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी यही से मेथड कर लिया और वो भी रिक्रूट करने लगे आर्मी में और जिसको मतलब कि एक आर्मी के नाम से जाने लगे ठीक है फिर थर्ड उन्होंने अपनी कंपनी आर्मी में क्या किया कि जिस तरह के वार फॉर टेक्नोलॉजी चेंज हुई एटीन ट्वेंटी से तो जो कैवलरी रिक्वायरमेंट थी जो कंपनी आर्मी की वो डिक्लाइन होनी शुरू हो गई और उसका रीजन क्या था तो ब्रिटिश एम्पायर ने वो फाइट करना शुरू किया बर्मा में अफगानिस्तान में इजिप्ट में और जहां पर जो सोल्जर थे उनके पास थे कि आ, जो मतलब की आर्म्स जो अस्त्र शस्त्र मस्केट्स या मैचलॉक्स क्या होते हैं जो गन वगैरह होती हैं ठीक है उनको बोलते हैं जो सोल्जर थे कंपनी आर्मी के उनको मतलब कि पेस मतलब कि चेंज रखना पड़ता था अपनी मतलब की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग तो जो उनकी इन्फॉर्मेंटरी रेजिमेंट थी जो उनकी पैदल सेना थी अब वो बहुत ज्यादा मतलब कि इंपॉर्टेंट हो गई सेंचुरी में क्या हुआ जो ब्रिटिश थे उन्होंने एक यूनिफॉर्म का कल्चर डेवलप कर दिया तो था कि कोई भी यूनिफॉर्म में लड़ने के लिए चल जा जाते थे लेकिन अब उन्होंने यूनिफॉर्म का पैटर्न शुरू कर दिया सोल्जर्स वर इंक्रीजली सब्जेक्टेड टू यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग अब जो सोल्जर्स थे वो यूरोपियन स्टाइल में ट्रेनिंग उनको मिलती थी ठीक है डिसिप्लिन उनको सिखाया जाता था कि किस तरीके से उन्होंने लड़ने से पहले उनको तैयारी की जाती थी फिर उसके बाद हमारा क्या है क्यों ऑफन दिस क्रिएटेड प्रॉब्लम सिंस कास्ट एंड कम्युनिटी फीलिंग्स वर इग्नोड और जो मतलब की जो प्रॉब्लम्स आती थी कास्ट को लेके कम्युनिटी को लेके उन चीज़ों को इग्नोर किया गया ठीक है फिर जो कुड इंडिविजुअल टू बी गिव अप देयर कास्ट क्या जो इंडिविजअल थे वो इजिली अपनी कास्ट रिलीजियस फीलिंग्स को छोड़ सकते थे नहीं कुड दे सी देम सेल्फ ओनली एज ए सोल्जर नॉट एज ए मेंबर ऑफ ए कम्युनिटी और क्या उनको मतलब कि एज ए सोल्जर एज ए मेंबर ऑफ कम्युनिटी ही देखा जाता था अब देखो यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है और साइड पर दिया हुआ है जो सवार है जो बंगोल के इन द सर्विस ऑफ कंपनी में है ठीक है इस तरीके से सवार जाते थे कंपनी के जो पिक्चर में वो किया गया है ड्रॉ किया गया सेवनटीन एटी में जो आफ्टर द बैटल विद द मराठा एज अ मैसूर रूलर द कंपनी रिलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेंथनिंग इट्स कैवलरी फोर्स और जब बैटल हो गई थी मराठा और मैसूर के साथ तो कंपनी ने रिलाइज किया कि किस तरीके से उनको मतलब कि जो पैदल सेना की फोर्स की इंपॉर्टेंस को समझा अब जो सी थे उन्होंने कैसा फील किया था कैसे उन्होंने रिएक्ट किया था ठीक है और कैसे वो लड़ाई की थी उन्होंने जो रिवोल्ट क्या हुआ था एटीन फिफ्टी सेवन का जो ग्लीम्स हैं वो हम क्या है चैप्टर फिफ्थ में फिफ्ट में पढ़ेंगे ठीक है तो अब इसका चैप्टर का क्या कंक्लूजन है कि इस तरीके से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ट्रांसफॉर्म हो गई थी एक ट्रेडिंग कंपनी से ट्रेडिशनल कंपनी में और जो अराइवल था नई जो स्टीम टेक्नोलॉजी का नाइनटीन सेंचुरी में वो मतलब कि हेल्प करता है इस प्रोसेस में और अब तक की जो मतलब कहीं भी बिटवीन सिक्सथ और एट्थ मंथ में टू ट्रेवल टू इंडिया बाई सी और अब पहले तो क्या लगता था कि कहीं अगर समुंदर में किसाई जाना है तो उनको सिक्स से एथ मंथ लगते थे ट्रैवल करने में ना। तो जो शिप थी उन्होंने अब क्या है रिड्यूस कर दिया टाइम को वो सिर्फ थ्री वीक्स लेते हैं तो ये उनकी टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट थी अब 1857 तक जो कंपनी थी उसने उनका क्या था डायरेक्ट रूल था हमेशा मतलब कि 63 परसेंट जो टेरेटरी पे लेकिन अब कितना हो गया था 78 परसेंट हो गया था और जो कंबाइंड विद्स इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द रिमांडिंग टेरेटरी पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड वर्चुअली द होल ऑफ इंडिया अंडर इट्स कंट्रोल और जो कंट्री ने जो अपना टेरेटरीज पर जो एक्सपेंडेशन था वो मतलब कि अपना एक्सपेंड ज़्यादा बढ़ा लिया था ठीक है देखो सिक्सटी से सेवनटी हो गया था तो हमने इस चैप्टर में अब क्या है कि जो कंपनी है वो ट्रेड करने के लिए आई थी और किस तरीके से उन्होंने अपना जो एक्सपेंशन है उसको बढ़ा लिया था ठीक है कितनी जितनी भी लड़ाई उन्होंने लड़ी उसमें वो जीत गई थी और ज्यादा से ज्यादा उनकी एडवांसमेंट हो गई थी तो ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग देखो चीजें भी कितनी सारी क्लियर हो जाती हैं अब हम आने वाली वीडियो में इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो डिस्कस करेंगे तो मिलते हैं नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ टिल देन बी हैप्पी कीप्स बाय बाय